दिल्ली के खेड़ा बेलेट हॉल शाहदरा में मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी द्वारा सामाजिक पहल। आशाएं को दिल्ली में अपने वॉलंटियर की आर्मी द्वारा पूरी दिल्ली में कोरोना से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचाया। सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आशाएं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कोरोना से प्रभावित लोगों को मदद व जरूरी सेवाएं पहुँचाने का जिम्मा लिया। आशाएं द्वारा कोरोना काल में बहुत से कार्य सामाजिक हित में किए गए, जिसमें लोगों को सूखा राशन, सैनिटाइजर, दवाएं, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मनोज गंभीर जी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बहुत से गणमान्य व्यक्ति जैसे भारत गौतम निगम पार्षद शाहदरा, रितेश सूजी निगम पार्षद बेलकम, पंकज लूथरा निगम पार्षद झिलमिल, विनय भाटिया, दिनेश गुप्ता, श्याम सुंदर अग्रवाल, योगेंद्र अग्रवाल, श्रीमती वंदना सूरी, श्रीमती शैली, श्रीमती इंदु आदि उपस्थित थे। श्रीमती अर्चना कंसल जी द्वारा मंच संचालन किया गया। मनोज गंभीर व श्री मनोज कंसल द्वारा लोगों का स्वागत व धन्यवाद किया गया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। इस सपने को मैंने घर घर पहुंचने का सपना देखा और वो सपनों को आज पंख हो For everyone who has lost everything, my beauty with a purpose is a reminder that they are never alone. My beauty with a purpose is to remember that life is beautiful and beyond that. Thank you. It is an honor to represent the domain of beauty, purpose, passion and vision. Thank you so much for calling me here. मैं यही कहना चाहूँगी कि आज सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसमें आशाएं को जो हमने प्रमोट किया है यहाँ पर, और ये एक एनजीओ है जो सोशल वर्क करती है और अभी तक ये बॉम्बे में काम कर रही थी लेकिन आज से ये दिल्ली में भी काम करेगी, उसको लेकर के एक कार्यक्रम हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत काम करती है, बच्चों को एजुकेट करना, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर हो, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर को लेकर हो, चाहे वो टेली हो, और उसके अलावा किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे क्वालिफाइड तो हो जाते हैं, एजुकेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं जाकर के वो बाहर हो जाते हैं। तो उस लेवल पर जाकर के बच्चों को तैयार करने का जो है ये काम करती हैं संस्थाएँ, और साथ में समाज की कहीं भी ज़रूरत होती है, जैसे कोविड काल आया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, दवाइयों की शॉर्टेज हुई, कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, कहीं लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी जो लोगों को सहानुभूति और मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो वो सब कार्य जो इन संस्थाओं ने किए, तो उसके लिए ही ये संस्था दिल्ली में भी काम करना शुरू करेगी और उसी के लिए आज ये आयोजन रखा गया है। आए हुए सभी मेहमानों का मैं वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हमारे यहां पे मिस इंडिया ने लॉन्च किया एक कार्यक्रम, क्या नाम था, आशाएं। तो दिल्ली के अंदर हम एक नया एक प्रोजेक्ट और करने वाले हैं नौकरी के संबंधित, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि समरसता और सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट ने बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी एक नया आयाम खोला। धन्यवाद। सिनी जी, दिल्ली ही आप दिल्ली में शाहदरा से शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? दिल्ली में, मुंबई में तो चल ही रहा था, दिल्ली में भी चल रहा है। मुझे ये मेरा एक सपना था कि ना ही इंडिया में बड़ा हो, ना ही मेरे रीजन में बड़ा हो, पूरे विश्व में बड़ा हो, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कदम ले
जनरेशन को, न्यू जनरेशन और खास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को? कोई अकेला नहीं, चाहे वो कोविड से गुजर है, चाहे वो हो या मेरी न्यू जनरेशन हो, जहाँ से मैं भी गुजरूँ, कोई अकेला नहीं है। बस एक मिरर में देखना और अल्लाह को बोलना कि तुम ये कर सकते हो, मैं भी यही इस रीज़न से। आपकी क्या आशा है आगे भविष्य में मिस इंडिया के बाद? अब क्या मिस इंडिया के बाद यही है कि लोगों के लिए मैं सर्विस में रहूँ और सबके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू भैया। शिक्षा के लिए नवीन प्रभावित होती है और हम दोनों ही काम कर रहे हैं।